हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का गेमर किंग में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमोन हाई ग्राफिक्स गेम के बारे में। तो इसका साइज ओनली 40 MB में और आपको इसमें बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स मिल जाएगा। मैं आपको एंड में इसका गेम प्ले दिखाऊंगा। तो अगर आपको इस गेम को अपने एंड्रॉइड डिवाइस में डाउनलोड करके प्ले करना है तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियो डेली लाता रहता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आपको उसको ओपन करना है। तो आप यहाँ पर कुछ इस टाइप के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको यहाँ पे नीचे आना है और इधर पे आपको मिलेगा कंटिन्यू का ऑप्शन। यहाँ पे सबसे पहले आई एम नॉट ए रोबोट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, जो जो आपको यहाँ पे लिखा आपको वही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक है टू कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से नीचे आइए, यहाँ पर आपको 5 सेकंड वेट करना। तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ से मीडिया फायर के पेज पर पहुँच जाएंगे, और मीडिया फायर के पेज पर पहुँचने के बाद आपको इस तरह का डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप अपना जेड आर्चीवर को ओपन कीजिए, और अगर आपके पास जेड आर्चीवर नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद जहाँ पे अभी अपने गेम को डाउनलोड किया था वहाँ पे चले जाइए, तो आपको कुछ इस टाइप का लिंक मिल जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा APK का, तो आपको यहाँ पे मेगा N64 APK को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिए, और इसको ऐसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे 7z फाइल पे क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट हेयर, और आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो जो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको वही लिखना है। लिखने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए, और एक्सेप्ट होने के बाद आपको इस तरह का फाइल मिल जाएगा। उसके बाद जो आपने मेगा N64 APK को इंस्टॉल किया था उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप कुछ इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज गेम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और आप कुछ इस तरह के पेज पर आएंगे। तो आपने जहाँ पर भी गेम को एक्सेप्ट किया था वहाँ पे चले जाइए। तो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे देखिए मिला होगा N64, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए जो लास्ट में लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे प्ले पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद आपका यहाँ से गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग स्टार्टिंग में इसका ग्राफिक्स देख सकते हैं, कितना हाई ग्राफिक्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे गेम प्ले देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गेम स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।